हमारे हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे देश में बहुत रोबस्ट लेबोरेटरीज का सिस्टम है और वो पहले से ही शुरू से ही जो हमारे देश में वायरस आइसोलेट हो रहे हैं उनके ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग को, जीनोमिक बिहेवियर को, जीनोमिक स्ट्रक्चर को हम सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं। हमने हजारों वायरसेस को सिस्टमैटिकली सीक्वेंस किया कि ऐसे म्यूटेशंस देखें। अभी तक जितनों को भी हमने किया है उनमें ऐसा सिग्नल हमारे देश के वायरसेस में हमने नहीं पाया है, लेकिन क्योंकि अब हम सब जुड़े हुए हैं, पेंडेमिक का मतलब है हम सब सभी जगह पे फैली हुई है, ट्रैवल होते हैं, स्प्रेड होती है, और ये भी फैक्ट है कि कुछ और देशों में कम से कम कोई ना कोई एक दो वायरस मिले हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी म्यूटेशन मिल गई, यूरोप के एक आधे देश में भी ऐसे मिल गई, तो हमें वॉचफुल रहना है। उसके लिए जो स्टेप्स लिए दिए उसके ऊपर मैं आता हूं, लेकिन पहले ये कहना चाहूंगा कि हमारे भारत में लेबोरेटरीज ने अब वायरसेस जो यहां आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है और हमें जहां तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है। जो म्यूटेशन डिटेक्ट करी हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसका कोई महत्व आगे तक अभी तक हमने नहीं डिटेक्ट किया।